दोस्तों आज हम हैं शिवराम जी के घर पे, जो कि जुखाला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, और आईएसटी से जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है उसके विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहें कि जो आईएसटी से आपने ट्रेनिंग ली है वो कब ली थी? ये दो जनवरी 2013 से 5 जनवरी 2013, 3 दिन का जी था। जो हमारे संस्थान से आपने ट्रेनिंग ली है, जो तकनीक वहाँ से सीखी, आपको वहाँ से कितना आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, और कुछ अगर असुविधा हुई तो हमें वो भी बताएं ताकि हम उसमें आपकी सहायता कर सकें। नहीं, ट्रेनिंग में तो कोई असुविधा नहीं हुई, ट्रेनिंग तो अच्छी थी और उससे अच्छा हमने कुछ सीखा ही है जी। हाँ, तो उससे फ़ायदा तो होता है ट्रेनिंग करने। हमारे संस्थान जैसे कौन सी तकनीक सीखी है और जिसको खेतों में आपने उपयोग? वैसे तो आपके संस्थान वालों ने कई किस्म की खेती का बताया, लेकिन मैंने कार्नेशन को ऑप्ट किया है। कार्नेशन फूलों की खेती को मैंने महत्व दिया है ज़्यादातर। ये प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन है, हमारे थोड़ा जंगली जानवरों का आतंक होता है जी, इसलिए मैंने प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन में इसमें फूलों की खेती में ज़्यादा बेहतरी समझी, तो मैंने 2 ग्रीन हाउस लगाए हैं। तो आप अपने खेतों में कटाई छटाई का काम करते हैं, और जब कोई पौधा आपके ख़राब हो जाता है तो उसका क्या करते हैं? कटाई छटाई के बाद आपको आपके जो पौधे हैं उसमें कुछ अंतर लगता है? कटाई छटाई के बाद अगर थोड़ी बहुत हो तब तो अंतर लगता है, लेकिन यहाँ पे कई बार कुछ चीज़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, कीड़ों मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप होता है, इसलिए थोड़ा फर्क तो पड़ता है कटाई छटाई से। क्या आपने मिट्टी का परीक्षण करवाया है? हाँ, मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं जब भी इस खेती को, इसको कार्नेशन लगाने से पहले मैंने करवाया था प्रशिक्षण। संस्थान से जो आपने टेक्निक सीखी है उससे जो आपको कुछ फायदा हुआ है, और उससे आर्थिक स्थिति में आपको कितना सुधार हुआ? थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है चीज़ों से। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिवराम जी, जुखाला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से।